सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। मेरा नाम अनिल कुमार वर्मा है और मैं आशा संस्था गाडावारा से हूँ। आज मैं ग्राम ढुसरू में आया हुआ हूँ। मुझे जानकारी लगी है यहाँ के एक किसान श्री भूपेन जी ठाकुर आज अपने धान के खेतों में कोनोवीटर की सहायता से खरपतवार नियंत्रण कर रहे हैं। चलिए किसान भाइयों, आज हम उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि वो कोनोवीटर की सहायता से खरपतवार नियंत्रण कैसे करते हैं और इसका क्या फायदा है। राम राम भूपेंद्र भैया। राम राम अनिल भैया। राम राम। बैठो अनिल भैया। आओ भैया। भूपेंद्र जी, ये कौन सा यंत्र है? इसको कोनोवीडर कहते हैं। इसको एसआरआई विधि से जो धान लगाते हैं उसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए इसका उपयोग करते हैं। अच्छा, आप अपने धान के खेतों में कोनोवीटर की सहायता से खरपतवार नियंत्रण क्यों करते हो? कोनोवीटर की सहायता से हम खरपतवार नियंत्रण इसलिए करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि पौधों और खरपतवार के बीच में भोजन और पानी को लेकर अर्थात पोषक तत्वों को लेकर उनमें प्रतिस्पर्धा होती है और इस प्रतिस्पर्धा को ख़त्म करने के लिए हम कोनोवीटर का उपयोग करते हैं और खरपतवार नष्ट हो जाने से हमारे पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। क्योंकि हम खरपतवार को नियंत्रण करने में कोनोवीटर का उपयोग करते हैं जो खरपतवार को मिट्टी में मिला देता है जिससे कि हमारे पौधों को हरी खाद के रूप में एक अतिरिक्त खाद प्राप्त होती है और जो हमारे पौधों के लिए लाभदायक होती है। इसलिए हम खरपतवार नियंत्रण करने में कोनोवीटर का उपयोग करते हैं। कोनोवीटर की सहायता से खरपतवार नियंत्रण करने में आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है? सबसे पहले तो हमें एसआरआई विधि से लगे हुए धान के खेत की आवश्यकता पड़ती है और हमें कोनोवीडर यंत्र की आवश्यकता होती है और खेत में पानी की आवश्यकता होती है। आप कोनोवीटर की सहायता से खरपतवार नियंत्रण कैसे करते हो? सबसे पहले तो हम कोनोवीडर लेते हैं। अच्छा, और इसे एसआरआई के खेत में दो लाइनों के बीच में चलाया जाता है। अच्छा। कोनोवीडर को फसल में बड़ी सावधानी से चलाना चाहिए ताकि पौधों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। इस प्रकार से हम कोनोवीडर चलाते हैं। और इसे चलाने से मिट्टी में हवा का सही तरीके से संचार होने लगता है और पौधों को पर्याप्त मात्रा में हवा मिलती है जो कि उनकी वृद्धि में सहायक होती है। और जो खरपतवार पौधों से पौधों के बीच बच जाता है उसे हम हाथ से निकाल देते हैं। कोनोवीटर चलाते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? कोनोवीटर चलाते समय हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि जब हम चला रहे हों उस समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार से चलाएं कि हमारे पौधों को कोई नुकसान ना हो। और जब हम चला रहे हों उस समय उस खेत में पानी कम मात्रा में होना चाहिए, ना अधिक होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। चलाने के बाद हम कोनोवीडर को धो करके रख देते हैं। कोनोवीडर चलाने के बाद हम अपने खेतों में खाद डाल देते हैं। भूपेन जी, जी आप कोनोवीडर धान के खेत में कितनी बार चलाते हो? हम कोनोवीडर धान के खेत में 3 बार चलाते हैं। पहली अवस्था होती है 15 से 20 दिन की, दूसरी अवस्था होती है 35 से 40 दिन की और तीसरी हम चलाते हैं 50 से 55 दिनों की अवस्था में। अच्छा, आपने हमें धान के खेत में कोनोवीटर चलाकर बताया, अब आप इसके बाद फायदे बताइए।
कॉर्नोबीडर से खरपतवार नियंत्रण करने में हमको बहुत सारे लाभ हैं। इससे पौधों को पोषक तत्व पूरी मात्रा में मिलते हैं एवं खरपतवार हरी खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो कि पौधे की वृद्धि में सहायक होती है तथा इसमें लागत भी कम लगती है और उससे पौधों को पोषक तत्व अधिक मात्रा में मिलते हैं। इन सब बातों के कारण हमें उत्पादन अधिक मिलता है, जिससे हमें अधिक लाभ होता है। भूपेन जी, आज आपने हमें कॉर्नोबीटर की सहायता से धान के खेतों में खरपतवार नियंत्रण करके बताया और हमें उसके फायदे बताए। इसके बाद आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हो? सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। मैं सभी किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप सभी किसान भाई लोग भी अपने एसआरए विधि से लगी हुई धान में खरपतवार का नियंत्रण करने के लिए कॉर्नोबीडर का उपयोग करें और अधिक से अधिक लाभ लें। जय जवान जय किसान। भूपेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें कॉर्नोबीडर की सहायता से खरपतवार नियंत्रण करके बताया और उसके फायदे बताए और हमारे किसान भाइयों को संदेश दिया। अच्छा, तो भूपेन भैया राम राम। राम राम अनिल। जैसा किसान भाइयों आपने देखा, हमारे किसान भूपेन जी ने आज हमें कॉर्नोबीटर की सहायता से धान के खेतों में खरपतवार नियंत्रण करके बताया और संदेश दिया। हम आशा करते हैं किसान भाइयों आप भी इसी तरीके से अपने धान के खेतों में कॉर्नोबीटर की सहायता से खरपतवार नियंत्रण करोगे और अधिक से अधिक फायदा लोगे। अच्छा, तो किसान भाइयों राम राम।